हेलो गाइस, दिस इज भावाशन, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन Hyundai i20 की। आपको पता है कि सब 4 मीटर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Hyundai i20 काफी ज्यादा पॉपुलर है और Hyundai i20 का एक ही मतलब होता है कि पावर, और लोगों को भी यही समझ आती है पावर एंड लुक्स। तो फ्रेंड्स, यहां पे इसी वजह से ये i20 जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो न्यू जनरेशन मॉडल है, तो इसका कुछ लीक्स सामने आई है, तो उसको हम कंसीडर करते हुए आज हम इस कार के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरे नेक्स्ट तरीके, लेट्स रॉक। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एक बजट सेगमेंट में SUV खरीदनी है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है तो वो है वेन्यू। तो मैंने यहाँ पे किया सोनेट जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाली है और उसको वेन्यू को कंपेयर किया है, तो वो आपको वीडियो आई बटन और या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और किया सोनेट का भी डिटेल रिव्यू आपको यहाँ पे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप जरूर से देखना ना भूलिए, वो एक काफ़ी यूजफुल वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे i20 की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन में। तो फ्रेंड्स, इस कार को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है इसका जो अभी करंट का जो वर्जन है उसके कंपेरिजन में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। तो फ्रेंड्स, फ्रंट डिज़ाइन में आपको ग्रिल और BRL जो है तो वो यहाँ पे कम्प्लीटली इसकी डिज़ाइन चेंज कर दी गई है। अभी की जो Hyundai की न्यू जनरेशन कार्स आ रही है तो उसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे फ्रंट ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और इसकी जो BRL है तो वो यहाँ पे Hyundai बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करते हैं। अपनी कोई भी कार इनकी देख लो तो इनकी BRL में कुछ तो यहाँ पे खासियत होती है एज कम्पेयर टू उसके जो अदर ओल्ड मॉडल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं। तो साइड प्रोफाइल में भी आपको कैरेक्टर लाइंस में यहाँ पे आपको डिफरेंस डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, जहाँ पे आपको डियर कैरेक्टर लाइंस आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो ओल्ड अभी की जो i20 है तो उसमें आपको वैसे नहीं देखने को मिलता था। और आपको यहाँ पे जो आपकी साइड विंडो है तो वहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिज़ाइन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, और टायर्स भी यहाँ पे आपको बड़े मिलते तो उसका लुक तो अलग ही आता है एकदम। अब बढ़ते हैं टेल प्रोफाइल की तरफ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जेड शेप में यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स आपको देखने को मिल रही, जो मतलब काफ़ी अमेजिंग लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंटीरियर होने वाला है तो वो काफ़ी सारे अदर Hyundai कार्स से उठाया गया है, मतलब कि इसका जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन होगी तो वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि Hyundai Elantra के डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे डिज़ाइन होगा। और इसका जो स्टेयरिंग है तो वो आपको सेकंड जनरेशन क्रेटा जो अभी 2020 में लॉन्च हुई तो उसके डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम और फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसका फुल्ली डिजिटल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कार फीचर्स लोडेड होने वाली है, जहाँ पे आपको ब्लूलिंक, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, सनरूफ और वो सभी फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये कार काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज आपके लिए होने वाला है, क्योंकि Hyundai i20 जान ही जाती है इसके पावर के लिए, इसके डिजाइन के लिए और इसके फीचर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके पावर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस कार में आपको Hyundai Venue के ही इंजन ऑप्शंस यहाँ पे देखने का यहाँ पे अनुमान देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन, 1.2 एंड 1.0 लीटर वाला पेट्रोल इंजन के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये जो अप्रोक्सीमेटली ये प्रोड्यूस करेगा 100 BHP। तो फ्रेंड्स, पावर आपको अमेजिंग मिलने वाली इस कार में, कोई भी यहाँ पे कटौती या फिर कोई भी कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे Hyundai नहीं देख रहा है Hyundai i20 के लिए, क्योंकि ये एक Hyundai की तरफ से काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि Hyundai में i20 की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसकी अभी जो करंट प्राइस है तो वो है इसकी एक शोरूम 5.56 लाख से स्टार्ट होकर 9.21 लाख तक जाती है, मतलब इसकी अगर टॉप वेरिएंट की भी ऑनबोर्ड प्राइस देते हैं तो ये करीब करीब 10.5 से 11 लाख तक जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी जरूर ज़्यादा है, बट आपको फीचर्स भी तो वैसा ही मिलता है ना, बलेनो की प्राइस भी इसके करीब ही आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसका कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं कि बलेनो से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो वो दोनों ही एक ही कंपटीशन में आती है, तो उस वजह से प्राइस भी दोनों की सेम ही है। बट फीचर्स में डेफिनेटली यहाँ पे आपको i20 में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू बलेनो। तो गाइज, ये जो i20 होने वाली है तो वो होगी BS6 कंप्लायंट इंजन, तो आपको माइलेज भी अच्छी मिलने वाली है, और रिफाइनमेंट तो आपको Hyundai का पता ही कि, और उसकी ड्राइव क्वालिटी तो मतलब धासु होती है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, Hyundai की ड्राइव क्वालिटी मतलब बहुत ही अमेजिंग होती है, तो उस वजह से आपको चलाने में भी बहुत मजा आने वाला है इस कार को। तो फ्रेंड्स, माइलेज की भी बात कर लेते हो तो इस कार में आपको डीजल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिटी में आपको 20 की माइलेज, और हाईवे पर आपको 22
थ्री के बीच में आपको माइलेज अप्रोक्स मिल सकती है। और पेट्रोल की बात करें तो सिटी में आपको 14-15 की एवरेज मिल जाएगी और हाईवे पे आपको 17-18 तक ये माइलेज दे सकती है, क्योंकि BS6 है तो उस वजह से थोड़ी सी माइलेज 10-12% आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू BS4 मॉडल। सो गाइस लास्ट में आते हैं इस कार के लॉन्च के बारे में। तो फ्रेंड्स इस कार का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च यहाँ पे अभी से गेस किया जा रहा है तो वो है यहाँ पे एंड ऑफ 2020 या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। और फ्रेंड्स यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिले होगा इस कार के लॉन्च में, जैसे कि अभी वरना जो मार्च में यहाँ पे लॉन्च होने वाले थे 2020 में तो उसका भी डिले हो चुका है लॉन्च लॉकडाउन की वजह से, और किसी को भी पता नहीं कि ये लॉकडाउन अभी कितने महीने तक चलेगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पे उसी वजह से थोड़ा सा डिले जरूर से होगा, और अदर ब्रांड्स की भी जो भी कार्स आने वाली तो वो सभी यहाँ पे डिले होने वाली है लॉन्च में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है इस कार के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो इस कार से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके सवाल, तो हम उसके जवाब देने की जरूर से कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐसे ही और कुछ रिव्यूज चाहिए हो कार्स या फिर बाइक्स के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, तो हम उस पर आपके वीडियो बनाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही क्वालिटी गाइडेंस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति, थैंक्स फॉर वॉचिंग।